हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष, संतोष एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं बैटरी चार्जर बना के दिखाऊंगा, लिथियम बैटरी चार्जर। तो इस बैटरी के लिए 9 वोल्ट हो गई, इसके लिए 606 ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा, 6 वोल्ट 0.6 वोल्ट ट्रांसफार्मर। तो इसमें 6 वोल्ट 6 का यूज करेंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगी, इसका यूज करेंगे इसमें। और इसमें से डायोड निकालूंगा, चार्जर प्लेट है, 4007 नंबर है इसका, इसमें से निकाल लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इससे किसी बैटरी चार्ज हो सकती है, लेकिन भारी बैटरी नहीं होगी, ये छोटी वाली बैटरी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर छोटा है, इसी कारण छोटी बैटरी चार्ज होगी। इससे निकाल लिया हूँ, अब इसमें डालूंगा, एक डायोड से भी काम चल जाता है, लेकिन मैं 2 डालूंगा। नंबर 4007 डायोड है दोनों, इसी को मैं यूज में लूंगा। पता नहीं अब क्या हो गया, इसको चेक करते हैं पहले, चल रहा है कि नहीं। मैं दोस्तों इससे चेक करता हूँ, मल्टीमीटर नहीं है मेरे पास। दोस्तों चल रहा है ऐसी, मतलब डायोड आपको दिखाई नहीं देगी कैमरे में। दोस्तों इसमें डालूंगा इसको, दोस्तों लग गया है, इसमें आईसी डाल दिया हूँ। और अब कनेक्शन करता हूँ इसके ट्रांसफार्मर के, तो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन 606 के कनेक्शन करेंगे इसमें, 0 को हटा देंगे और 66 के कर देंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा, एक वायर यहाँ पे लगेगा, एक वायर डायरेक्ट लगेगा इसमें, यहाँ पे लगेगा। दोस्तों वैसे तो इसमें एक ही आईसी काम करेगी, लेकिन मैं 2 लगा रहा हूँ, यहाँ से जम्पर लगा के यहाँ लगा देंगे तो आईसी गर्म आएगी नहीं, ये डायोड गर्म आएगी नहीं, 2 ये 12 वोल्ट बनेगी, 9 पे लगेगी इसीलिए गर्म आएगी, तो 2 लगा देंगे तो गर्म आएगी नहीं, फटेगी नहीं, जल्दी ख़राब नहीं होगी, इसीलिए मैं डबल लगाया हूँ। यहाँ से यहाँ जम्पर बांध देंगे और यहाँ से प्लस निकल जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं कनेक्शन कर देता हूँ, एक वायर यहाँ अटैच कर देंगे, इसमें से कसे वायर अटैच कर देंगे यहाँ पे,
कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार इसी को चेक कर लेता हूँ दोस्तों के सोल्डरिंग अच्छे से हुई कि नहीं, चेक करता हूँ। हाँ हो गई, हो गई दोस्तों। और एक वायर यहाँ पे अटैच करना, ये देखो दोस्तों अटैच कर दिया हूँ। ये देखो अच्छे से देखें, इस वायर को काम में नहीं लेंगे। ये प्लेट इसमें लगी हुई थी तो ये कैसे लगी थी, ए वायर इस डायोड पे लगा था, ए वायर इस डायोड पे लगा था, तो ये प्लस बन गया था और ये माइनस था, इसलिए 6 वोल्ट देता है दोनों में। अब मैं 12 वोल्ट कर दिया इसकी, ये बैटरी ख़राब नहीं होगी इससे, ठीक है दोस्तों, बना सकते हो। तो यहाँ पे और यहाँ पे बैटरी वाली वायर लगा देंगे, वर्क करने लग जाएगी। एलईडी ख़राब है, मेरे पास एलईडी नहीं है, एलईडी लगा के दिखा देता नहीं। दोस्तों मैं दोनों डायोड पे जम्पर भी बांधूंगा, जम्पर बांध के बाद में दिखाऊंगा, पहले कनेक्ट कर लेता हूँ वायर। दोस्तों यहाँ ये आँखें अभी अटैच कर देना, बीच में कर लेना दोनों इस डायोडों के बीच में प्लस पे। दोस्तों कनेक्शन हो गया, ये है माइनस, ये प्लस, प्लस के लिए मैं सफ़ेद लिया हुआ है, लाल वायर नहीं था। और यहाँ से यहाँ तक जम्पर लगा देंगे, दोस्तों मैंने अटैच कर दिया है। देखो दोस्तों इसी पे अटैच किया हूँ पीछे की ओर, सफ़ेद पट्टी आगे माइन प्लस की है, दोस्तों ध्यान रखना प्लस की होती है सफ़ेद पट्टी, बाकी हिस्सा ब्लैक का होता है माइनस। दोस्तों उल्टी लग जाएगी तो काम ही नहीं करेगी। दोस्तों ये सिर रहा प्लस का, इसका ये सफ़ेद सफ़ेद पट्टी दिख रही है ना, ये देखो दोस्तों ये सफ़ेद पट्टी है, ये प्लस की है इधर, ये माइनस का हिस्सा है पीछे का, दोनों पे। दोस्तों मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा, तो दोस्तों टेस्ट करके दिखाता हूँ इसको। दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फिल्टर कर देगा बिजली को, ये डीसी वोल्ट को मैं ये लगा देता हूँ, होम थिएटर में से निकाला हुआ है, इसके वैल्यू 25 वोल्ट 1800 यूएम, 25 वोल्ट 1800 यूएम। सफ़ेद वाली पट्टी माइनस की है, ये प्लस है, तो सफ़ेद वाली पट्टी को ब्लैक वाले वायर पे लगाएंगे, जिस तरफ माइनस निकाले थे उसी तरफ लगाएंगे इसको, प्लस वाली इस पे लगाएंगे, सफ़ेद वाला वायर इस पे लगाएंगे। दोस्तों ये कैपेसिटर फिल्टर करके देता है लाइट, कभी इससे एम्पलीफायर चलाए तो चल सकता है, ये कैपेसिटर बना हमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों मैं अगली वीडियो में ऑटो बना के दिखाऊंगा आपको, पिछले इन्वेटर में दिखाया था उसी को बाहर बनाऊंगा सिंपल तरीके से, तो मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ पलक लेके आता हूँ। दोस्तों मैं बोर्ड लेके आ गया हूँ और अब चेक करता हूँ इसको, दोस्तों लाइट भी जल गई इसकी, तो लाइट बेकार थी,
बैटरी से नहीं जल रही थी, ऐसे जल गई 12 वोल्ट की हो गई। देखो दोस्तों मैं बढ़ा के देखता हूँ, देखो दोस्तों कम है पावर लेकिन 9 वोल्ट के लिए बहुत ठीक है। दोस्तों 12 वोल्ट का बड़ा एलिमीटर बैटरी को फाड़ सकता है, ये वो बैटरी इतनी ही आती है। देखो दोस्तों देखो, मैं चार्ज करके दिखाता हूँ। इसका वायर है प्लस, ये माइनस, तो हम लगाएंगे ब्लैक वायर, इस पर ब्लैक लगाएंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखो दोस्तों चार्जर हो गया दोस्तों, इससे बैटरी है 9 वोल्ट की है, 12 वोल्ट का चार्जर है, ये बन गया तो इससे इस पर कोई ख़तरा नहीं होता है, इसीलिए छोटा यूज में लिया हूँ मैं, बड़ा ले लेता तो ये फट जाता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगले वीडियो में ऑटो लेके आऊँगा मैं, वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है। तो दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।